छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर मंगलवार को गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने रायपुर में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। राज्य भर से एकत्रित महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की सत्तारूढ़ साय सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी वृद्धि हुई है और सरकार इन मामलों पर अंकुश लगाने में असफल रही है। आज महिलाओं पर अत्याचार हो थे, ये भाजपा वाला मन कहते महिला मन के वोट से हम सरकार बने, महतारी वंदन योजना के कारण सरकार बने हैं। बहनी मन सुन लो, महतारी वंदन के 1000 रूपये दे दे है और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमार बेटी बहनी मन के इज्जत के साथ उकर आबरू के साथ जिन खिलवाड़ होते जिन अत्याचार होते ये केवल विष्णु देश सरकार में संभव हो सकते है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जागरूक रहे की आवश्यकता है, संगठित हो रहे की आवश्यकता है और हर पीड़ित व्यक्ति हर पीड़ित महिला के साथ खड़ा हो न्याय दिलाए की आवश्यकता है।